Unit 3, Digital Documentation, Domestic Data Entry, Class 9th. Digital Documentation का ये chapter है. इस chapter के continuous part को आगे देखते हैं. Introduction करते हैं. In earlier days, manual typewriters were used for typing a document, which was replaced by electronic typewriter, and now a computer is used for this purpose. एक छोटे से paragraph की ये कुछ दो या तीन लाइनें हैं जिनका बेसिकली मीनिंग्स है कि हम कुछ समय पहले मैनुअल टाइपराइटर्स का यूज़ करते थे, लेकिन जब हमें डॉक्यूमेंटेशन को टाइप करना होता था, आपने तहसील में या कलेक्ट्रेट में या अभी भी आपने कोर्ट्स के बाहर ऐसे टाइपराइटर्स आपको देखने के लिए अभी भी एक या दो दुकानों पर मिल जाएंगे जहाँ पर टाइपराइटर से टाइपिंग अभी भी होती है, बट विच वॉज रिप्लेस्ड बाई इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. लेकिन आज वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से रिप्लेस कर दिए गए हैं और धीरे धीरे एंड नाउ अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और अब कंप्यूटर को इस पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा है. वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशंस आर द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एन ऑफिस. एक ऑफिस के अंदर ये तीन तरीके की एक्टिविटी ही सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाती हैं. वर्ड प्रोसेसिंग, जहां पर शब्दों से रिलेटेड कोई ना कोई काम होता है, लेटर टाइपिंग है या रेज्यूमे टाइपिंग है या किसी के लिए नोटिस तैयार करना है, आपको कोई मेमो तैयार करना है, कोई रिपोर्ट्स तैयार करनी है. डेटा प्रोसेसिंग, जहां पर आप डेटा मैनेज करते हैं. कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, जहां पर आपको किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए एक बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव वे चाहिए होता है. तो इन सब काम को करने की एक ऑफिस में रिक्वायरमेंट रहती है और ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज इफेक्टिवली. और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो इस तरीके के काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं. A document is a paper with written contents and the process of preparing a document is called documentation. जब आप किसी भी काम को करते वक्त, प्रिपरेशन करते वक्त उसको लिखते हैं, आप उसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कह लेते हैं. डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड और टू बी यूज्ड एज एविडेंस. और यही डॉक्यूमेंटेशन हमारे कहीं ना कहीं एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर काम करती हैं. द डॉक्यूमेंट्स कैन बी लेटर्स, रिपोर्ट्स, थीसिस, स्क्रिप्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एक्सेट्रा. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है. अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स कैन हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस लाइक अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक हैंड राइटिंग. विद द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी द प्रोसेस ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन कॉन्सिक्वेंटली ऑटोमेटेड टू कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग. सो बेसिकली एक बताया गया कि आप अगर हाथ से लिख करके कुछ देते हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं. हो सकता है आपको किसी की राइटिंग समझ में ना आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अ डेटा एंट्री ऑपरेटर शुड पासेस द स्किल्स टू यूज द ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स विद अ गुड टाइपिंग स्पीड. एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है वो ऑफिस के इन प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है एक अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ, जो कि अभी आपने यूनिट 2 में स्टडी किया है. Although typing skills is the essential criteria for data entry operator, एक data entry operator के लिए आपकी typing speed या typing skills बहुत जरूरी है. A little care has to be taken while using the word processing software. A typist used to hit the space bar a number of times to arrange the text. This is not required in the computer. As the automated features for editing and formatting are available, word processing is the use of computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print the document. Yani word processing application mein aaj aapke liye bahut sari easy features hain ki aap enter kar sakte hain, edit kar sakte hain, format kar sakte hain, data ko save rakh sakte hain, wapas recover kar sakte hain aur aap chahe to use time to time print bhi de sakte hain. The document can be letter, notice, report, business, correspondence etc. तो ये एक example है कि document कितने तरीके के हो सकते हैं. हमने पहले भी अभी study किया ही है और यहाँ पर एक बात और ध्यान में आपके दिला देना चाहता हूँ कि अगर हम computer में हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या वो document हमारे पास digitally available है तो generally हम उसे soft copy कहते हैं, और अगर वो print से बाहर, printer के through बाहर आ जाता है तो वो हमारे लिए hard copy हो जाता है, जिसे हम print out भी कहते हैं. इन द लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो यहाँ नोटिस पे दिया हुआ है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है. द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाई IBM इन द लेट 1960s. बाय 1971 इट वॉज रिकोगनाइज बाई द न्यूयॉर्क टाइम्स एज अ बज वर्ड. यहाँ पर एक सोर्स वेबसाइट से एक डिटेल लिखी गई है कि जो वर्ड प्रोसेसिंग शब्द है
वो बेसिकली आईबीएम कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 1960s के लेट में स्टार्ट किया और 1971 में ये एक रिकग्नाइज्ड वर्ड बना जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स एज अ बज वर्ड नाम से उन्होंने अपने आप को पब्लिश किया। अ वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल जो मैटर को प्रिंट करने में हमारी हेल्प करता है। इन द बिगिनिंग वर्ड स्टार वॉज द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जब शुरुआत हुई इस सॉफ्टवेयर की तो वर्ड स्टार नाम से एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो सबसे पहले मार्केट में आया और ये सब जगह यूज होने लगा। देयर आर सेवरल लिमिटेशंस टू यूजिंग अ टाइपराइटर विच आर एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं कि एक टाइपराइटर की लिमिटेशंस क्या होती हैं। इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन, अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको पूरी की पूरी स्क्रीन टाइप दोबारा करनी पड़ती है। टू सेंड सम लेटर टू टू और मोर पर्सन विद डिफरेंट एड्रेसेस रिक्वायर्ड मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट्स, अगर एक से ज्यादा लोगों को आपको एक ही लेटर भेजना है तो फोटोकॉपी की उस समय सुविधा नहीं थी तो आपको वही टाइपराइटर से बार बार वो लेटर टाइप करना पड़ता था। टाइपराइटर डजंट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स और सिंबल्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू टाइप ऑल द कैरेक्टर्स यूजिंग द टाइपराइटर, और बहुत सारे ऐसे सिंबल्स थे जो टाइपराइटर से अभी भी मिस हो जाया करते थे, उन्हें टाइप करने के लिए टाइम लगता था या वो कंटेंट अवेलेबल ही नहीं होता था। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट यूजिंग अ टाइपराइटर, और हम एक प्रॉपर जो फॉर्मेट देना चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट का वो हम नहीं दे सकते थे टाइपराइटर की हेल्प से। इन द ईयर 1974 जेरोक्स कंपनी हैड इंट्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, 1974 में जेरोक्स कंपनी ने एक पहला इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर लॉन्च किया एज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनुअल टाइपराइटर टू सम एक्सटेंट। उन्होंने भी कुछ चेंजेस करने के लिए एक मैनुअल टाइपराइटर से बढ़कर के कोई चीज बनाई। इन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इट इज पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द कंटेंट, मेक मल्टीपल कॉपीज विद माइनर चेंजेस, बट इट हैज अ लिमिटेशंस ऑफ वेरी स्मॉल साइज स्क्रीन टू डिस्प्ले द कंटेंट्स, इट्स स्क्रीन कैन व्यू ओनली वन और टू लाइंस इन लेट 1970s विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई लेट 1970s यानी 1970 के बिल्कुल अंत में, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया गया। इन दिस सॉफ्टवेयर द डॉक्यूमेंट कैन बी नेविगेटेड एडिटेड फॉर्मेटेड एंड प्रिंटेड, और इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से कंटेंट को नेविगेट सर्च किया जा सकता था, एडिट किया जा सकता था, फॉर्मेट किया जा सकता था और उसे प्रिंट किया जा सकता था। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी क्रांति थी। द मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर टेक एडवांटेजेस ऑफ अ GUI, और आज की डेट में हम जिन मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो वो ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करते हैं, यानी पहले जो स्टार्टअप था तो वहां पर केवल आप वर्ड्स और टाइपिंग से रिलेटेड काम करते थे, लेकिन आज आप वर्ड्स टाइपिंग प्लस GUI ग्राफिकल यानी आप इमेज इंसर्शन वाला काम, प्रोवाइडिंग सम फॉर्म ऑफ व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि आप जो देखते हैं क्या वैसा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। विजिविग ये एक बहुत शॉर्ट फॉर्म बड़ी फेमस थी और ये आज भी फेमस है। आज फेमस इसलिए हम नहीं कह रहे क्योंकि आज ये धीरे धीरे आउट ऑफ फैशन है, क्योंकि ये सबको पता चल गई है। दिस मीन्स द स्पेशल इफेक्ट्स ऑन टेक्स्ट आर ऑल्सो विजिबल ऑन द स्क्रीन, यानी आप जो स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं स्क्रीन पर वो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। We'll be right back.